जिस काम का पहल महिला विकास मंच ने किया था, उस काम के पहल में बहुत लोगों का योगदान रहा, लेकिन हर योगदान के पीछे खुशी इस बात की है कि जमीनी लेवल अगर किसी ने कुछ कार्य किया है इसमें, तो डेफिनेटली दौड़ के, चाहे वो मुंबई में मीटिंग हो, चाहे वो तमाम टीम के साथ दिल्ली में मीटिंग हो पवन भाई से, उन्हें समझाने का काम तो हम ही ने किया है। पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने के बाद महिला विकास मंच की अध्यक्ष वीना मानवी ने पहला इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मीडिया वालों को और जनता को बता दिया है कि आखिरकार ये असंभव काम करने के लिए उनको कितना कुछ झेलना पड़ा था और कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। आपको बता दें कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो चुके हैं। मियां बीबी का जो विवाद था वो खत्म हो चुका है। अब वो तलाक नहीं लेंगे और एक साथ खुशी खुशी आगे की जिंदगी बिताएंगे, ऐसा वीना मानवी का कहना है। वीना मानवी ने वायरल हो रहे तस्वीरों की पुष्टि करते हुए कहा है कि ये तस्वीरें मैंने ही मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट की थी और ये तस्वीरें तब ली गई थी जब लखनऊ में पवन और ज्योति को हमने मिलवाया था। हमारा मकसद ये था कि वो दोनों आमने सामने बैठकर बातचीत कर ले और एक दूसरे का राय जान ले, इच्छा जान ले और उसके बाद वो पहल करें कि उन्हें साथ रहना है कि अलग होना है। लेकिन जब दोनों एक साथ एक दूसरे के सामने हुए तो आपस में बातचीत के दौरान दोनों में सुलह हो गई। जो उनके बीच गलत फहमियां थी वो दूर हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। तभी हमने ये तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर साझा किया ताकि जो लोग इनको एक साथ देखना चाहते थे, जो लोग इन्हें मिलाना चाहते थे, उन्हें खुशी महसूस हो। वीना मानवी ने कहा कि इन दोनों को मिलाने में बहुत ही बड़ा संघर्ष रहा है। वीना मानवी ने कहा कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी, इसमें मेरे पूरे टीम के लोगों ने साथ दिया है। वीना मानवी ने कहा कि कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी पवन सिंह से मुलाकात के लिए तो कभी ज्योति सिंह से मुलाकात के लिए, पवन ज्योति के मसले पर कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर तो कभी सामने से बैठ कर दोनों पति पत्नी से बात करना पड़ता था, कभी ज्योति से तो कभी पवन से, पवन को ज्योति की बात बतानी पड़ती थी और ज्योति को पवन की बात। दोनों में तालमेल बिठाने के लिए हमें दोनों से लंबी चौड़ी बातें करनी पड़ती थी और लंबे इंतजार के बाद फाइनली हम कामयाब हुए दोनों को एक करने में। वीना मानवी ने कहा कि ये पूरा क्रेडिट हमारा ही है क्योंकि हमने ही दोनों को मिलाया है। तो वीना मानवी ने मीडिया में ये साफ साफ बता दिया है कि पवन और ज्योति एक हो गए हैं। जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो दोनों को एक करके रहेंगे, वैसा दिन उन्होंने ला दिया है और फाइनली असंभव काम को संभव कर दिखाया है। जो कोर्ट ने नहीं कर पाया वो वीना मानवी ने कर दिखाया और पवन ज्योति को एक कर दिया। लंबे समय से तलाक का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था, फिर भी सुनवाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर भी वीना मानवी ने इस असंभव काम को संभव कर दिया और पवन ज्योति को एक कर दिया। अब पवन ज्योति के एक होने के बाद लोग पवन सिंह और ज्योति सिंह को बधाइयां दे रहे हैं तो कुछ लोग वीना मानवी को भी इस असंभव काम के लिए सराह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया। और ज्योति के परिवार वाले और पवन के परिवार वाले बेहद खुश हैं और ज्योति सिंह पवन सिंह के घर अब रहने चले गई हैं। आज पहला दिन था जब पवन सिंह के घर ज्योति सिंह रह रही हैं। अब वो लगातार पवन सिंह के साथ ही रहेंगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस केस में क्या मोड़ आता है, क्या वाकई में ये दोनों अब पूरी जिंदगी साथ रहेंगे या फिर इनके बीच कोई विवाद छिड़ जाता है। वेल, इस वीडियो पर आपकी क्या कुछ है राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम लेटेस्ट अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल करारा न्यूज डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।